तो फाइनली आज आइजोल में मेरा लास्ट डे है। अभी सर विदा आ गए हैं मुझे लेने के लिए और अभी निकल के मैं जाऊंगा ऑफिस। ऑफिस के बाद, ऑफिस जाने के बाद शायद प्लान है कि मैं लोकल मार्केट में जाके एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं आज मेरे को चेकआउट करना था, तो यस्टरडे नाइट को ही मैंने पेमेंट कर दिया था। तो मॉर्निंग को मैंने पूरा अपना सामान वामान सब कुछ पैक कर लिया है, पैक करके अभी रेडी हूँ। डेविड आ गया है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाके वहाँ से शाम को गाड़ी है, जिस गाड़ी से मैं यहाँ पे आइजोल में आया था उसी को मैंने फ़ोन किया था। तो आज मॉर्निंग को वहाँ से निकल गए हैं, सिलचर से निकल गए हैं, आज शाम तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो पहुँचने के बाद यहाँ से मेरे को मेरे घर तक रात को छोड़ देंगे। तो अभी मैंने अपना सामान वामान सब पैक कर लिया है, ऑफिस जाना है, वहाँ से देखते हैं वहाँ जाने के बाद क्या है होता है। एक्सपेक्टेशन है कि आज मार्केट घूमने जाएं, लेकिन लेट्स सी क्या क्या होता है। चलिए अब मेरे साथ और आज के आइजोल के जर्नी के लास्ट डे को एक्सप्लोर करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ऑफिस में तो ऑफिस अभी पहुंच गया हूँ। लेट्स सी चलने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं आइजोल के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए। चलिए हम लोगों के साथ आइजोल के लोकल मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। क्यों ना हम लोग अब थोड़ा सा लंच कर लें, उसके बाद सिटी के जो भी मार्केट हैं, जो भी स्टोर्स हैं, जो भी शॉप्स हैं, वहाँ पे घूमें और उसको एक्सप्लोर करें। तो अभी हम लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट में हैं, वहाँ पे खाना ऑर्डर करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद मार्केट के अंदर चले जाएँगे और मार्केट में क्या हो रहा है, ये जो टाइम है अभी क्रिसमस का माहौल है और वहाँ पे किस तरीके से लोग शॉपिंग कर रहे हैं, क्या हो रहा है माहौल में, वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर। ऑफिस का लास्ट डे है, हम सब लोग मिलके यहाँ पे कुछ खाने के लिए आए हैं, देन हम लोग जाएंगे कुछ शॉपिंग करने के लिए। जो एक रेस्टोरेंट है आज उनके दारपुर मार्केट के ऊपर, तो यहाँ पे हम लोग बैठेंगे, टिकट करेंगे और यहाँ से चलेंगे हम लोग खरीदने के लिए। बने रहिए हम लोग के साथ। It's a big punishment.
का आइटम, कपड़ों से लेके हर कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ एक स्टोर मुझे मिला जो कि है आइजोल का एक सेकेंड हैंड मार्केट। यहाँ पे आपको कपड़ों से लेके जूतों तक सब कुछ आपको सेकेंड हैंड मिल जाएगा, वो भी कम प्राइस में। वो प्रोडक्ट होता है जो कि यूज्ड नहीं बट फैक्ट्री डिफेक्ट्स की वजह से या फिर फैक्ट्री में कंजम्पशन कम होने की वजह से कभी कभार स्टोर्स में आ जाता है। वो यहाँ पे स्टोर्स में अवेलेबल होता है और यहाँ पे आप उसको परचेज कर सकते हैं, जो कि ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है और वहाँ पे चीप रेट भी मिल जाता है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आइजोल मार्केट में वो बहुत महंगे होते हैं कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और अदर जगह, क्योंकि ये बहुत ही हिल एरिया में है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होने की वजह से यहाँ के प्राइसेस का रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। This is the main market which most of the people comes for shopping. You get everything here, all the varieties of items, and most of the products that the items are here from Myanmar, Burma, and some are from Korea, and some are imported also, and even Indian brand. So you get all the varieties of items here. But now it's the Christmas time, so many people come from buying for to celebrate the Christmas. However, compared to the other year, that people most of the people cannot go for the shopping, and most of the shops are closed. And however, we try to maintain the social distancing and safety of the people. Yeah. We still come using sanitizer. That's correct. So, yeah, this is the main market for Aizawl. तक थी आइजोल की लास्ट वीडियो की स्टोरी। यहाँ पे हम लोगों ने आइजोल के पूरे मार्केट के एक्सप्लोर किया और फिलहाल तो अभी आइजोल से मैं आज ही शाम को निकल के चला जाऊँगा, लेकिन एक और वीडियो मेरे पास रह गया है, वो वीडियो मैं आप लोगों के साथ कुछ दिनों के बाद शेयर करूँगा, जो कि मेरे दिल के बहुत ही करीब है और मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप उस चीज़ पर उसको आप ज़रूर देखो।